तो स्वागत है आप सभी का फिर से। नहीं, ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी ने 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में सुना ही होगा, तो इस वीडियो में आगे देखना कि हम ये चैलेंज करने वाले हैं कि नहीं। नहीं। तो ये चैलेंज में 99% लोग फेल हो जाते हैं। ये क्या बोला तूने? लेकिन ये चैलेंज मैं खुद के लिए करने वाला हूँ। मुझे जिम का तो शौक है बट बॉडी बिल्डिंग का इतना नॉलेज नहीं है, और ना बॉडी बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट है कि उसमें ना मैं कोई करियर सोच रहा हूँ। तो ये चैलेंज मैं किसी से कंपैरिजन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सभी की लाइफ में एक दौर ऐसा आता है कि आप खुद पर यकीन करना छोड़ देते हैं, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये चैलेंज करने से आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, क्योंकि आप 75 डेज में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करोगे, आप उससे डील करोगे। तो ये चैलेंज के कुछ रूल्स हो गए जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, और मैंने ये चैलेंज अभी स्टार्ट करने का इसीलिए सोचा है क्योंकि ये 75 डेज में बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। अभी गणपति स्टार्ट हो गए, उसके बाद नवरात्रि आएगी और उसके बाद दिवाली आएगी, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ये 75 डेज में। तो मज़ा भी आएगा और देखते हैं कि कैसे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन चैलेंज के साथ साथ 9 से 5 वाली जॉब भी करनी है। तो अभी देखते हैं कि जॉब के साथ चैलेंज कैसा चैलेंजिंग रहेगा। तो अभी बारी आती है रूल्स की, तो जॉब के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मॉडिफाई किया है रूल्स में। तो पहला रूल्स, 2 टाइम वर्कआउट करना है और मिनिमम 45 मिनट्स। दूसरा रूल्स कि आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। तो हमने डिसाइड किया है कि लंच से पहले हम सलाद खाएंगे, लंच के बाद फ्रूट, और लंच हमारा मंडे टू फ्राइडे कंपनी में ही रहेगा, तो उधर जो भी होगा वो हम खा लेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे। तीसरा रूल्स, 4 लीटर पानी पीना है, तो वो तो टास्क इजी है, वो तो हो ही जाएगा। चौथा रूल्स, सबसे फेवरेट चीज़ मेरी कोल्ड ड्रिंक्स, वो मैं 75 डेज के लिए बंद करने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो पांचवा रूल्स है बुक रीड करने का, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग। लेकिन इसमें हमने मॉडिफाई किया है कि मेरा ऐसा मानना है कि बुक से ज़्यादा तो लोगों हमको सिखा के चले जाते हैं, तो बुक के साथ साथ हम लोगों को भी ऑब्जर्व करेंगे और लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो ये थे 75 डेज चैलेंज के 5 रूल्स, तो इन सभी को 75 डेज तक फॉलो करना है। तो इस चैलेंज की जो भी अपडेट होगी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे शेयर मैं करता रहूँगा, तो आप सब भी बने रहना। तो होप फॉर द बेस्ट। तो चैलेंज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि और भी लोग जुड़ सके और सपोर्ट कर सके हमें। तो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखना मत भूलना ट्यूजडे से 75 डेज हार्ड चैलेंज को। जय श्री राम। तो मिलते हैं, बाय।